उज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अपने ऑफिस का काम शुरू कर रहे हैं, डेली रूटीन का। और आज हमने बनानी है जो हमें व्हाट्सएप मिले हुए हैं, आज हम उनको एक्सेल शीट के अंदर इंसर्ट करना है। मॉनिटरिंग रिपोर्ट हमारे स्कूल्स की, और ये हो गए अक्टूबर 2020 की। ये हमारे पास मौजूद हैं। हमने कुछ ऐसा ही एक फॉर्मेट अपने इदारे के नाम से तैयार करना है और उसको फिर तमाम स्कूलों का कलेक्शन करना है। ये एक स्कूल हो गया, ये दूसरा स्कूल हो गया, ये तीसरा स्कूल हो गया। ये स्टूडेंट स्कूल कितने थे और प्रेजेंट अब्सेंट, जैसे ये लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे स्कूल का नाम लिखेंगे। इसको हम एक तरफ खड़ा कर देते हैं और यहाँ हम न्यू एक एक्सेल की शीट बनाते हैं। इसको हम ओपन करते हैं और इसको साथ भी खड़ा रखते हैं। और यहाँ पे आज हमने अपने एक इदारे के नाम से काम करना है और आपके साथ काम मिल के करेंगे। आज हमने कैसे बनानी है, जनाब ये हो गया मजाली ट्रस्ट, ये मजाली स्कूल्स। वाली हो गई। अब हमने कलम छोड़ के दूसरे में लिखना है जी, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन। अच्छा नीचे हो गई जी हमारे पास मंथ 2020 लिख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास ये कॉलम देखें, ये बन रहे हैं जी 1 2 3 4 5 6 कॉलम। तो हम भी यहाँ पे सीरियल नंबर, स्कूल नेम और स्कूल नेम के बाद टोटल स्कूल कोड लिख देते हैं। फिर जी टोटल टी स्टूडेंट्स, और उसके बाद जी प्रेजेंट स्टूडेंट्स, उसके बाद एब्सेंट स्टूडेंट्स, वेरीफाइड स्टूडेंट्स, वेरिफिकेशन। अब ये हो गए जी हमारे पास कॉलम। इसको हम सेव कर लेते हैं और इन कॉलमों को हम नज़र नहीं आ रहे तो हम थोड़ी सी लाइन को खुला कर लेते हैं और इसको हम जाते हैं जी क्या कहते हैं रैप टेक्स्ट कर देते हैं कि ताकि ये हमारा अपने हिसाब के अंदर ये कॉलम है रैप टेक्स्ट। ये हो गए हमारे अंदर फिटिंग हुई हमारे कॉलम की और इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। अभी भी हमें कुछ ज़रूरत है तो वो हम इसको थोड़ा सा कॉलम को बड़ा कर लेते हैं स्कूल का, और इसको भी स्कूल को बड़ा कर लेते हैं। बाकी चीज़ हमें तो फिक्र आने हैं, हम इसको
बॉर्डर कर देते हैं, ये हो गया बॉर्डर। अब जी हमारा सीरियल नंबर, एक स्कूल का नाम हो गया जी अहमद खान वाला स्कूल, कोड हो गया जी 01, और इसकी जो वेरिफिकेशन हुई है वो हुई है जी कि कुल स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं जी। ये तो हमारे ये स्कूल है हमारी 001, और इसमें है जी 41, 38, 3, 33 और मजीद है जी 80, इसमें हम 8 लिखेंगे। ज़बरदस्त, हमारा दूसरा स्कूल हो गया जी तरीके, इसका कोड हम इसको नीचे लिखकर यहाँ पे लिख कर नीचे लगाएंगे तो 2 होगा, लेकिन हमारा कोड है 4। और इसको हम जी लेते हैं जी तरीके 004 कोड हो गया, और इसकी हम लिखते हैं जी 182 प्रेजेंट, 2 एबसेंट, 170 और बर्दा, ठीक हो गया जी। तीसरे नंबर पे हमारा है स्कूल जी डरहाला, सॉरी हमारा स्कूल पिपला, पिपला 005 कोड है जी इसका, और इसको हम नीचे करते हैं तो ये हमारा 05 ही आता है। यहाँ पे इसकी हुई जी 4x4, 402, 12, 34, 54, 60 इसके नीड फर्दर हैं। 4 नंबर पे हम आएंगे जी, इसका कोड हो गया जी आलम खेल, इसका कोड हो गया जी हमारे पास 0006 जनाब। अच्छा 06 जल्दी टाइम नहीं, 05 05 004 सेव, और हम चेक करेंगे जी बिल वापडा नहीं जी, अल्लाह ने मेरे काम पे मेरा हम फेस्को नहीं, फेस्को आ जी थोड़ा सा ओपन हो रहा है जी फेस्को, प्रिंट बेलर्स बटन स्नान करे कैसे मुन चीज मेरे को वीडियो भेजी बटन जी जरा, अच्छा अच्छा ये फेस्को है ना जी, वो 13000 रुपए की दुकान है, मैं उससे पे करे ना यार,
चुग गयो कहीं जाते तू तू सां रेफरेंस मुझे तो चुग गयो सुना जी शायद कल हो ना यार ना आई थी आया उसी के रफ दे हाँ जी अच्छा ठीक है जी देने आग पूछे मां भी केरियन लिस्ट हैं दी आग आ केरियन लिस्ट हैं पूछी आउट कोलो आ कोई तब जी डेटा कट करने पाया बढ़ने पाया जी जी हमारी वीडियो अपलोड हो रही है जनाब हमारे चैनल पे और ये भी डेली रूटीन की है 41 मिनट्स लेफ्ट हैं इसके साथ हम काम करें उसकी तरफ चलते हैं जी दरमियान में और सारे काम अच्छी तरह आ जाते हैं तो हमारा काम रुक जाता है ये जी हो गई ये हमारी डेली रूटीन की सूरत हाल है कि हम ऑफिस में क्या काम करते हैं होता क्या है जी 5 नंबर पे जी 006 और 007 हमारा कोड है जी डर हाला वाला और इसका कोड है जनाब 07 ए जी 007 हो गया जी ए जी 119 हो गया 109 हो गया 110 हो गया 109 हो गया और फिर 110 हो गया अच्छा 007 हो गया 6 का जी हमारे पास अभी आगे जी दरालम वाला और गौशाला इसकी हमारे पास हो गई जी 9 10 अच्छा अच्छा आप आना पे समझ अक नहीं आंदी आप लगा ये डरा वाला जी बल्कि ये हमारी 9 10 10 10 को हुई थी और असल में हमारी ये है जी डरा वाला 126 126 00 और इसमें हमारे आएंगे जी 116 10 हो गए जी गौशाला जी माशाल्लाह जी इसको जी हम नेक्स्ट करेंगे जी अच्छा जी ए जी 131 हो गया जी और 124 हो गया 7 हो गया और 107 हो गया और ये 24 हो गया नेक्स्ट हमारे पास जी कोड है जी जी हाँ सॉरी मैं ज़रा कोड में गलती कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा 13 भी आता है ये हमारा कोड गलत हो रहा है इसलिए मैं ज़रा सोच रहा था कि भाई कहीं पे गलती हो रही है ये हो गया और 13 आ गया क्योंकि ये फेस 13 है ये ठीक हो गया मजा आएगा ना सेव हो गया नेक्स्ट हमारे पास जी आ रहा है जी गौशाला के बाद जी हमारे पास स्कूल का नाम है 10 11 12 कमर मुशानी जी इसका हम जी कोड लगाएंगे 12 012 इनकी हमारे पास जी सॉरी मौजूद नहीं है तो हम नेक्स्ट लगाएंगे जी कमर मशानी के बाद महारा वाला इसका कोड जी हमारे पास है 013 43 41 1 02 39 और 4 हो गया जी नेक्स्ट 9 पे आ गया और यहाँ पे हो गया जी हमारा
मुजाहिद टाउन। तो इनकी जो हुई है जी मॉनिटरिंग वो है जनाब 14, ये भी 58 है, 58 है, 00 है, 45 है, और ये 13 हो गई, आगे 10 आ गया जी हमारे पास जी, हो गया जी मुजफ्फरपुर 015। मुजफ्फरपुर के बाद जनाब हमारी हो गई 015, 016, 17, 18 हो गई सुल्तान वाला, और इसका कोड हो गया जी 018। 14 हो गई, हाँ जी 018 हम एक तरफ ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ हम राइट करेंगे 128 119 9102 और 26 12। सुल्तान वाला के बाद जी हमारा कोड है जी 2 कुरेशियाँ, उसका कोड है जी हमारे पास 019। अभी उसकी हमारे पास रिपोर्ट पहुंची नहीं है, तो हम नेक्स्ट करते हैं जी उत्तराकला, इसकी जो रिपोर्ट है वो हमारे पास जनाब आ रही है, इसका 20 कोड है, तो 129 उसके बाद 101 28 92 और 37। नेक्स्ट हमारे पास है जी 21 है जी वहाँ भचरा, इसको जरा ऊपर कर दें तो जी हम 21 पे आ गए, वहाँ भचरा की भी मेरा ख्याल में हमारे पास नहीं पहुँची। तो जनाब इसके बाद हम कर लेते हैं जी चेक 1 ml, इसकी हमारे पास जी एक है कि इसमें हम करते हैं जी 168 166 02 162 और 06, आ गया जी हमारे पास 00। इसका हमारे पास अब नेक्स्ट लगातार कोड है वो 023 हो गया, 00 भी हमारे पास मौजूद नहीं है, सो सॉरी हम 024 पे आएंगे कुंदिया इकबाल, यहाँ पे 277 260 17 200 77 और 18वां स्कूल हमारे पास है जी कुंदिया कायद। तो इसकी जो हमारे पास मॉनिटरिंग पहुंची है जी वो है 152 148 04 141 11 और 19वां स्कूल हमारे पास है कुंदिया इकबाल और कुंदिया नसीर वाला, ये हमारा स्कूल है जी नसीर वाला, इसका हमारा कोड हो गया जी 026 और इसकी हो गई जी 93 76 17 66 और 27। अच्छा जी आप देखें इसमें थोड़ा सा मैं भी स्कूल से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि हमारे जो स्कूल अभी बाकी हैं उनसे हमने ये चीज़ें लेनी पड़ेंगी। उस वक्त तक अभी आप थोड़ी सी सेटिंग सीख लें कि ये हमारे जो सेंटर में नहीं लिखी हुई हैं इनको हमने सेंटर में करना है, ये नीचे वाले खाने भी जरा हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इनको हम एक सेंटर में करके यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंटर,
और एक इसको सेंटर कर लेंगे। इसी तरह इस लाइन को भी हमने सेंटर कर लेना है। ये अच्छा हो गया, इसको हम सेव कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें ये ऊपर चला जाता है हमारी, यानी कि ये रो हमारी खड़ी रहे। तो इसको हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और व्यू में जाके फ्रीज पे क्लिक करें, फ्रीज पैन करेंगे तो ये अब हमारा ऊपर नहीं जाएगा। ज़बरदस्त हो गया। अब इस पूरे सेलेक्ट टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर हम बॉक्स लगाएंगे, और ये माशाल्लाह अब हमने बॉक्स लगा दिए हैं। जी अब हम इसको करेंगे जमा, हम इसका कर्ल करेंगे, यहाँ पे इसके बॉर्डर लगा देंगे बॉक्स के, और इसको इकट्ठा करके यहाँ पे हम इसका मर्ज कर लेंगे। इसको इसमें हम लिखेंगे टोटल, और अब जी हमारी ये जो हमने लगाई है फ्रीज पैन, ये लाइन हमारी शुरू हो रही है 7, रो नंबर 7 से लेकर रो नंबर 25 तक हमने इनको करना है जमा। तो हम लगाएंगे इक्वल टू सब टोटल का फॉर्मूला, टोटल आगे हम लगाएंगे जी TOTEL टोटल, और इसमें हम लगाएंगे जनाब सम का फॉर्मूला 9, D7 से लेकर D25 तक हम करेंगे जमा, एंटर करेंगे, ये हमारे कोर स्टूडेंट जमा हो जाएंगे। और यहाँ पे रख कर हम इसको नेक्स्ट इसी तरह खींच लेंगे तो ये सारे के सारे फार्मूले हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसका मकसद यहाँ, इसका हम फिल्टर लगाएंगे अगर यहाँ पे, तो वो भी हमारे लिए बड़ा ईजी रहेगा कि जो भी हम स्कूल सिलेक्ट करेंगे, मिसाल हम फिल्टर लगाते हैं, डेटा में जाकर फिल्टर करते हैं, और अगर हम इसमें से कोई भी स्कूल कोड, यानी 1, 4, 5, 6, 7 चार स्कूल या 5 स्कूल जमा करते हैं तो उनकी कलेक्शन अलहदा पे हमारे पास जमा होगी। इस सब टोटल फार्मूले का ये फार्मूला होता है कि इसलिए कि इसका फ़ायदा ये है कि ये अलहदा अलहदा जमा होंगे। यानी कि अगर हम 2 स्कूलों का भी करेंगे, जब मिसाल के तौर पर एक डिस्ट्रिक्ट हम अलहदा करते हैं, यानी कि 22, 23, 24, 25, 26 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, इसको कॉल करते हैं तो 1277, 1216 और ये हमारे लिए अलहदा हो गए। अब हमने इसकी सेटिंग करनी है तो इसको हम नेक्स्ट कर लेंगे, इसको यहाँ पे सिलेक्शन देंगे और इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देंगे, इसको हम बोल्ड में लेंगे या कम्बेरिया या एरियल ब्लैक कर लेंगे ताकि खूबसूरती ज़रा इजाफा हो जाए इसका ज़रा। इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे। ये जो रिपोर्ट है हमारी की बनाई खींच ली है, वेरिएशन मॉनिटरिंग रेगुलेशन रिपोर्ट, इसको हम काट देंगे, इसी के साथ लिखेंगे अक्टूबर नवंबर 2020, और इसको हम यहाँ पे, बल्कि सॉरी इसको हम क्लोज कर लेंगे।
पे कुछ ही जगह मेंशन करनी पड़ती है, तो पहले हमारे पास ये चीज़ें ऐड होती हैं। अब हमने करना है जी इसका साइज़, हम इसको जनाब साइज़ को कर लेंगे बड़ा, वो हाइट हम 25 पे रख लेंगे, और इसको जो लिखाई है इसको हम जनाब थोड़ा सा सेंटर में ले जाएंगे। हो गया जी हमारी रिपोर्ट तैयार हो गई। इसको हम आखिरी लाइन को ज़रा थोड़ा सा कलरफुल कर देंगे और इसकी लिखाई को बोल्ड कर लेंगे, अगर हो सके तो हम इसको भी एरियल ब्लैक या सिल्वरी भी इसी तरह रहने देंगे। अब इसको हमने एक पेज के ऊपर हमने प्रिंट करना है, इसको हम प्रिंट का निशान देंगे और हमें ये व्यू दिखाएगा कि हमारा ये कैसा है। तो ये हमारा पेज दूसरे पे जा रहा है, हम इसकी सेटिंग करेंगे और इसकी जो एडजस्टमेंट है वो 90 पे खड़ी करेंगे। तो इस तरह ये हमारा पूरे पेज के ऊपर बाकी रहेगा, यानी पूरे पेज के ऊपर ही हमारा ये टेबल और ये चीज़ें सेट होके आ जाएंगी। इसको भी हम ज़रा चेक कर लेते हैं, भी ज़रा हम कुछ सेंटर में कर लेंगे, ये ज़रा हमारा दूर कराया और ये ज़रा लिखाई छोटी है जो थोड़ा सा मेंशन कर लेंगे। अगर हमने इसका पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ में सेव करना है, इसी पेज को हम फाइल करके सेव एज करेंगे और वर्कशीट पीडीएफ करेंगे, तो ये हमारा मॉनिटरिंग डेटा 2020 ये हमारी सेव मॉनिटरिंग ये पीडीएफ में होगी। अगर आप इसको चेक करना चाहेंगे तो ये मॉनिटरिंग ये देखेंगे मॉनिटरिंग डेटा जी ये हमारा पीडीएफ में शुमार हो गया है, गुड हो गया। इसको हम बंद कर देंगे, एक्सेल पे आएंगे और इसको हम प्रिंट देंगे। प्रिंटर हमारा यहाँ पे सिलेक्ट खड़ा हुआ है तो हम इसको प्रिंट दे देंगे, ये प्रिंट हमारा ओपन हो जाएगा। जज़ाकअल्लाह। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें ताकि और बहुत सी एक्सेल के टिप्स आपको मिल सकें। जज़ाकअल्लाह खैरन, आप हमारे साथ टच रहे हैं।